बात बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण से अध्याय 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका मूल शीर्षक है संधि। संधि के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है। संधि शब्द का अर्थ होता है जोड़ या मेल। इस पाठ में हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं। संधि शब्द का अर्थ जोड़ या मेल होता है। भाषा व्यवहार में जब दो शब्द पास पास आते हैं, जब यानी एक साथ आते हैं, तो पहले शब्द की जो अंतिम ध्वनि वाले शब्द होते हैं कि पहली ध्वनि से मिलकर उसे प्रभावित करते हैं। ध्वनि परिवर्तन की इस प्रक्रिया का नाम ही संधि कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब दो शब्द एक पास आते हैं और जब उसकी अंतिम ध्वनि वाले बाद वाले शब्द जो पहली ध्वनि से मिलकर उसे प्रभावित करते हैं, तो इस ध्वनि परिवर्तन की नाम की प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम संधि विच्छेद कहते हैं। संधि की प्रक्रिया में परिवर्तन कभी ध्वनि में होता है तो कभी दूसरी ध्वनि में, और कभी दोनों ध्वनियों में भी होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि संधि की जब प्रक्रिया में परिवर्तन होता है तो कभी एक में होता है, कभी दो में होता है, कभी दोनों में होता है। वर्णों में संधि कभी वर्णों के बीच होती है तो कभी स्वर और व्यंजन के बीच होती है। वर्ण का वर्ण उसे कहते हैं जिसके हम टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण उसे कहते हैं। और वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। यहाँ बताया गया कि वर्णों में संधि कभी स्वरों के बीच होती है तो कभी स्वर और व्यंजनों के बीच में संधि होती है। इसी तरह कभी विसर्ग और स्वर के साथ होती है तो कभी विसर्ग और व्यंजन के साथ होती है। यानी जब भी संधि होती है तो इसमें विसर्ग और व्यंजन दोनों का मेल अवश्य होता है। संधि 2 ध्वनियों में होती है, 2 शब्दों में नहीं होती है। यदि यहाँ पे बताया गया है कि संधि 2 ध्वनियों में होती है, यदि वर्णों का मेल हो परंतु उसके कारण उनमें किसी तरह का ध्वनि परिवर्तन ना हो तो उसे वर्ण संयोग कहते हैं, संधि नहीं। संधि में वर्ण संयोग तो होता ही है, साथ में ध्वनियों में भी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि संधि दो शब्दों के मेल को यानी जोड़ को हम क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। और संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो दोस्त, इसमें अब आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में, जो संधि का पहला भेद है। 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। यानी जब भी परिवर्तन होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। यानी 2 स्वरों के मेल से जो भी परिवर्तन होता है, जो भी विकार उत्पन्न होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है, स्वर संधि के बाद यहाँ पे व्यंजन संधि के बारे में बताया गया है। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर के मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का व्यंजन से यानी कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, क ख ग घ अंगा, ये सब जितने भी स्वर होते हैं, ये सब जितने भी होते हैं, ये सब व्यंजन संधि होते हैं। और स्वर संधि होता है अ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ। अंग और अह अयोग्य वाह होता है, इनको हम स्वर या व्यंजन संधि में हम उसे नहीं जोड़ते हैं, हम उसका उसमें रूप परिवर्तन हो जाता है। तो अगर हम इसमें क्या कहते हैं कि व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अगर प्रथम शब्द के अंत में अघोष व्यंजन होता है और दूसरे शब्द के शुरू में संघोष व्यंजन या कोई स्वर हो तो पहले शब्द के अंत वाले अघोष व्यंजन के उसी वर्ग को संघोष व्यंजन कहा जाता है। घोष का अर्थ यहाँ पे संघोष और अघोष के बारे में बताया गया है। आइए पहले हम इसे जानते हैं कि संघोष और अघोष क्या होता है। घोष का अर्थ होता है आवाज, स्वर या नाद, इसका अर्थ यह होता है। और अघोष का अर्थ होता है ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण करते वक्त कंपन उत्पन्न नहीं होती है,
उसे हम अघोष उत्पन्न कहते हैं। जब कोई हम स्वर उच्चारण करते हैं, जब कोई हम अक्षर जिसका उच्चारण हम करते हैं और उसमें जब कंपन उत्पन्न नहीं होती है तो उसे हम अघोष कहते हैं। जैसे जैसे हो गया क ख च छ ट थ प फ श श, ये अघोष हो गया। और सघोष का मतलब ये होता है जब हम किसी अक्षर को का जिनका उच्चारण करते वक्त उसमें कंपन उत्पन्न होता है तो उसे हम सघोष कहते हैं। इस प्रकार इसमें दिया गया कि अगर प्रथम शब्द के अंत में सघोष व्यंजन और दूसरे शब्द के शुरू में सघोष व्यंजन या कोई स्वर हो तो पहले शब्द के अंत वाले सघोष व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का व्यंजन सघोष व्यंजन हो जाता है। इसमें जैसे दिक् जोड़ गज कहा गया है, क जोड़ ग यानी दिग्गज कहा गया है। यानी इस प्रकार यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं कि किस प्रकार सघोष और अघोष व्यंजन आ जाने से इसमें वाक्य में इसमें जो शब्द है उसमें परिवर्तन होते हैं। उसके बाद तीसरा शब्द होता है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहलाते हैं। विसर्ग संधि यानी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहलाते हैं। अभी मैंने बताया कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर और व्यंजन स्वर अ आई को कहते हैं और व्यंजन क ख ग घ जो होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। और विसर्ग के साथ जब ये दोनों मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे हम विसर्जन सॉरी विसर्ग संधि वो कहलाती है। जैसे विसर्ग के पूर्व में यदि अ हो और बाद में सघोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पे ओ हो जाता है। यानी अ हो तो वो ओ हो जाता है, अर्थात अधः गति है तो अधः यानी यहाँ पे अ है और जोड़ गति है तो यहाँ पे सघोष व्यंजन और विसर्ग के मिलने से अधो गति हो जाती है। मनः जोड़ भाव है यानी अ यहाँ पे अ लिखा हुआ है यदि, और लेकिन जब यहाँ पे विसर्ग और सघोष व्यंजन आता है तो मनोजोड़ भाव यहाँ यानी ओ की मात्रा यहाँ पे आ जाती है। इस प्रकार इसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे स्वर संधि के पांच भेदों के बारे में जानेंगे जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयाधि संधि है। इसे हम अब अगले कक्षा में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी। ये इसे इस पाठ को आप पढ़ें और अच्छी तरह से समझें।